फाइनली मैं पहुंच गया हूं हरिद्वार में, और हरिद्वार में पहुंचने के बाद मैंने जो होटल लिया वो है होटल गंगा नीर, क्योंकि इसके सामने क्या है गंगा फेसिंग है। थोड़ा सा कॉस्टली तो पड़ा है यार मुझे ये, अप्रोक्स 1400 का 1300 का पड़ा है, थोड़ा कॉस्टली है पर अब ठीक है। अब कहाँ कहाँ घूमेंगे, पहले ही थका हुआ हूँ यार थोड़ा। भाई टूरिस्ट तो आप लग रहे हो। जी हाय टू माय यूट्यूब फैमिली। हेलो गाइस। विशाल भाई आपको यहाँ काम करते हुए कितना टाइम हो गया वैसे? ये भैया मेरे को तो अभी 10 डेज। 10 डेज हुए हैं? आप प्रॉपर यहीं से हरिद्वार से ही हो? नहीं मैं बद्रीनाथ से। अच्छा बद्रीनाथ से। ऊपर भी जा सकते हैं ना विशाल भाई? बिल्कुल जा सकते हैं। हाँ ऊपर का तो नज़ारा फिर अलग ही होगा ना, ऐसा लग रहा है आप मेरे ट्रैवल पार्टनर हो। अरे वाह, ये अपना रूम और ये बाथरूम, छोटी सी LED और ये हम और बड़ा सा दिल। और ये गंगा जी की फेसिंग हमारी, हमारे रूम से गंगा व्यूज। अभी से गंगा आरती होने वाली है उधर। यहाँ यहीं पे होगी गंगा आरती? हाँ ये इधर का है, ये विष्णु घाट है ना। अच्छा ये विष्णु घाट है, अभी हो रही है क्या गंगा आरती? इससे ले लो तो बाद में देखो। क्या सुकून मिला ना यहाँ पे आके यार, इस व्यू को देखो, इतना ट्रैवल करने के बाद ना लिटरली और ऐसा व्यू मिले तो दिल खुश हो ही जाता है। सोच रहा हूँ कि वहाँ पे जाके ना वहाँ पे अभी ना पूरे हरिद्वार में जो भी घाट हैं, हर की पौड़ी है, वहाँ पे आरती हो रही है। ये विष्णु घाट है, यहाँ पे भी अभी आरती हो रही है, और भैया ने बताया कि जो हर की पौड़ी है वहाँ पे भी इस टाइम पे आरती हो रही होगी, वहाँ पे बड़ी आरती होती है। पानी कितना साफ है गंगा जी का, कितना साफ है, इसमें नहाएंगे थोड़ी देर में। फिलहाल अभी आरती टाइम है ना, तो सब आरती वगैरह कर रहे हैं, उसके बाद आरती होने के बाद उल्टो डुबकी तो लगाएंगे यहाँ पर। काफ़ी पीसफुल है यार, पीस है, पानी की सरसराहट वाली आवाज़, लहरें देखो आप। मेरे को ना थोड़ी याद हो रही है शर्म, क्योंकि यहाँ पे कपड़े निकाल के नाना और यहाँ पे सब लेडीज बैठी हैं यार, तो थोड़ा सा ऑकवर्ड फीलिंग ही है। बट अभी वो भैया आ जाते हैं, विशाल भैया, वो देखो क्या बताते हैं। और शाम को मैं यहाँ पे, इतना ठंडा पानी है यहाँ पे, नहा लिया और कहीं बीमार हो गया ना पूरी दिक्कत ही हो जाएगी, ठीक पता नहीं कैसे जाएगी, पर मन कर रहा है नहाने का तो नहा ही लेते हैं। ये है हमारे भाई जो कि हरियाणा से आए हैं और आज गंगा जी में उनका स्नान। ये माँ गंगा पूरा है यार, थोड़ा कैमरा नीचे करो, सांस रुक रही मेरी, इतना ठंडा पानी है। नहीं थोड़ा ऐसे एंगल पे कर दो ऐसे, हाँ नीचे ही तरफ। डुबकिया मारो ना, डुबकिया सीधे सर से तक सुबकी आ रही है मुझे। गंगा जी में डुबकी का ही तो है मेन, सांस रुक रही है मेरी, कोई दिक्कत नहीं। 5 डुबकी या 7 डुबकी या 7 डुबकी, चलिए जय गंगा जी। पूरा नीचे एक्चुअली ना ये नीचे और जाया नहीं जा रहा, वो है पत्थर है। कितना ठंडा पानी है यार,
भाई जी पहाड़ों से आ रहा है बर्फ वाला। वैसे एक बात तो है, मैं अगर इस साइड हो जाऊँ तो बह जाऊँगा। पांच लोग की लगाते हैं? पांच सात बेजोड़ में कितनी भी लगाओ। तीन होगी ना अभी, दो और मार लो मेरी तरफ से। ये वो हो गया लाल। नहीं कोई नहीं, वो चल रहा है। स्क्रीन पे टच कर दो, अपने आप हो जाएगा ये। किसी टाइम ना हो बजे आ रहे हैं भाई। ब्रह्म मुहूर्त में ना हो, चार बजे सुबह, चार बजे पानी है, मजे आ गए यार। सुबह भी नहाएंगे, अभी तो मज़ा आ रहा है नहाने में। एक बार ठंडाई लगती है फिर तो मज़ा आते है ना। अच्छा मैं एक ग्रुप की लगाता हूँ, कर सकते हैं। 1 2 3 ये। ओहो भाई साहब मज़े आ गए यार। सुबह और नहाएंगे, विशाल भाई है ना उसके साथ, वो कह रहा सुबह 7-8 बजे नहाएंगे, मज़ा आएगा यार। कितना ठंडा पानी, एक बार ठंडे पानी मतलब आप नहा लो उसके बाद इतना मज़ा आ रहा है ना नहाने का। सुबह और पूरे मज़े ले लेके नहाएंगे, पर मैं अंदर नहीं जाऊँगा, मुझे तैरना नहीं आता। ये इतना तेज़ बहाव आपने छोड़ दिया ना, समझे आप गए। अगर आपने यहाँ पर इसका साथ छोड़ दिया जो पकड़ने गए, तो समझो आप गए। मैं यहाँ पे नहाऊंगा, बट यहाँ भी नहाने में ना काफ़ी मज़े आते हैं। तो लेकिन यहाँ पे बताया कि जो कृष्णा वाले में बड़े बड़े होटल हैं, लेकिन मैं खाना खाऊंगा जो एक सिंपल सी आंटी है उनके पास यार। उनको काफ़ी हेल्प मिल जाती है जब आप एक लोकल स्मॉल वेंडर्स के पास खाना खाते हो ना, तो उनको थोड़ी सी हेल्प हो जाती है उनकी अर्निंग के लिए। वहाँ पर खाना चाहिए ऐसे, क्योंकि बड़े होटल वाले बड़े चार्ज करते हैं, छोटे वाले छोटे चार्ज करते हैं। तो वहाँ पे हाँ आंटी जी उनके पास खाना खाते हैं, सिंपल रोटी है और आई थिंक दाल बताई उन्होंने और एक सब्जी और बताई, तो वो खा के फिर मार्केट में थोड़ा सा उस साइड में घूमते हैं। तो आंटी जी की स्टॉल तो काफ़ी छोटी स्टॉल है, बट अच्छा है, खाना अच्छा ही होगा मुझे लग रहा है। ये आ गई अपनी थाली, इसमें दाल है और ये सब्जी और रोटी। बहादुर सेठ बलदेव दास का जो ये कोठी है, हवेली है, इसके सामने ये गली है, वहाँ पे उनके स्टॉल है, वहाँ पे आप खा सकते हैं। आप यहाँ से एंटर करोगे और यहाँ से जब आप विष्णु घाट जाओगे तो वहाँ पे आपको विष्णु घाट पे खाना मिल जाएगा। बाकी आप सिंपल खाना खाना चाहते हो तो वहाँ पे भी खा सकते हो। क्या इतनी मीठी और प्यारी सी हवा चल रही है, और पानी की जो आवाज़ आप सुन सकते हो वो अपना रूम है। ये जो लाइट है ना, इस लाइट के ये वाला अपना रूम है। लोग आराम से बैठे हैं, टाइम स्पेंड कर रहे हैं। देखो घाट की जो फीलिंग होती है ना आराम से अकेले में बैठने की, वो अलग ही है यार। अच्छा एक चीज़ जो शेयर करनी थी आपसे, वो ये थी कि सोलो राइड करने का एक फ़ायदा है कि आप अपने हिसाब से अपने डिसीजन ले सकते हो। आप बाउंड नहीं होते हो कि मुझे इसके हिसाब से डिसीजन लेना पड़ेगा, इसके हिसाब से लेना पड़ेगा। नहीं, आपका मन करे वैसे आप अपनी बाइक को घुमा दो, जिधर मन करे आपका मन करे, जैसे आप जहाँ जाके बैठ सकते हो, जहाँ जाके खा सकते हो। क्योंकि दूसरा पर्सन होता तो वो कहता है यार नहीं यहाँ पे नहीं खाएंगे, वहाँ पे खाएंगे। फिर या तो उसको कॉम्प्रोमाइज़ करना होता है या फिर हमें कॉम्प्रोमाइज़ करना होता है। तो आई प्रिफेर ए सोलो ट्रैवल टू एवरीवन।